Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. अभी मैथमेटिक्स होता है, वो मैथमेटिक्स में कौन सा ब्रेन यूज करना है? लेफ्ट ब्रेन। और हिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है, कुछ भी होता है, उसको कौन सा ब्रेन यूज मारना है? राइट ब्रेन। तो दो बातें सिंपली आपको अंडरस्टैंड करा देते हैं। लेफ्ट ब्रेन इज कनेक्टेड विद वर्ड्स, राइट ब्रेन इज कनेक्टेड विद पिक्चर्स। अभी अनपढ़े लोग होते हैं, आप सबको एड्स मालूम है ना, टीवी में आता है, कहां कहां पोस्टर्स होता है, सभी देखा होगा। तो उधर कोई को ऐसे कोको कोला पीते हुए, कोई को कहा, कोई कोई तरह के एडवर्टाइजमेंट डालते रहते हैं। तो जो अनपढ़ होता है ना, वो भी उसको देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिकॉज वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू आर पिक्चर्स, और पिक्चर्स इजीली हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच जाता है। टीम ने जो एम बोला ना, वो मेमोरी में चल जाता है। समझ में आया? इसीलिए हम भी पढ़ाई को किस तरह से कन्वर्ट करना है, वर्ड्स टू पिक्चर्स। जो रैंक स्टूडेंट्स होता है, जो हमेशा भी ब्रिलियंट होता है, वो कभी पढ़ाई को लेफ्ट ब्रेन से नहीं पढ़ते, वो राइट ब्रेन को कनेक्ट करके पढ़ते, तभी उसका दिमाग में वो लंबा टाइम तक रहता है। अभी देखो, किसी ने आपको कुछ आकर के एक इंसल्ट कर दिया, गाली दे दिया, तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है, नहीं रहता? याद रहता नहीं रहता है? लेकिन किसी ने आपको अच्छी बातें कहा, वो भूल जाते। अभी मैं आप में से एक को, अभी मैं आप में से एक को इधर आकर के बहुत जोर से गाली दे करके आपको मैं क्या किया, दुख पहुंचाया, तो 10 साल होने के बाद भी जब मैं आपके सामने आता हूं तो वो याद आता है? याद आता है, नहीं आता है? तो वो किस लेवल से किस लेवल तक पहुंच गया? थॉट लेवल से इमोशन। जो इमोशन होता है वो किससे कनेक्टेड है? राइट ब्रेन। जो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है वो मेमोरी में इजीली चप जाता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है, हमारे टीचर्स हमको बहुत कुछ कहते हैं। अभी आप सब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th वाले हाथ उठाओ, 10th क्लास, ओके फाइन। 9th वाले हाथ उठाओ, वेरी गुड। 8th वाले हाथ उठाओ, वेरी नाइस। और ये कोई है, कोई क्लास वाला? 7th वाला भी है क्या इधर? हाँ, वेरी नाइस। 6th वाला भी है क्या? देखो यहाँ वहां छोटे मोटे भी आ जाते हैं। अगर ऐसे समझो, अभी आपको मैं आकर के, अभी आप लोग 10th तक आ गया, तो मैं बोलता हूँ, कैन यू राइट द एग्जाम ऑफ 9th क्लास? नो सर, वो 9th में पूरा हो गया। बोलते हो नहीं बोलते? 9th क्लास का अभी मैं आकर के 10th वालों को दिया, द सेम क्वेश्चन पेपर विच यू हैव रिटन इन द 9th क्लास, दैट आंसर यू विल नॉट एबल टू राइट एज यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट। ऐसा ना, क्यों? क्यों वो किस कारण से पढ़ा है? योर एग्जाम पॉइंट। और कौन सा ब्रेन यूज किया है? लेफ्ट ब्रेन। अगर एक सिनेमा देख के आ गया, 2 साल के बाद भी उसके बारे में बोला तो बहुत अच्छी से बोल सकते, राइट? दिस आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? मेमोरी पावर। माइंड पावर से कनेक्टेड क्या है बच्चे? माइंड पावर इज कनेक्टेड विथ व्हाट? मेमोरी